राजस्थान के दौसा जिले के दिलावरपुरा गांव में इस समय गम का माहौल है। यहां के लोग चाहते हैं कि यहां के एक साहसी बेटे 30 साल के नौजवान राजेंद्र प्रसाद मीना का की शहादत व्यर्थ ना जाए और जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया, उनकी हत्या का जो कॉन्वॉय जा रहा था त्रिपुरा में, जिसको एम्बुश किया गया, उनको बख्शा ना जाए। उनके बच्चे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका बेटा योगेश है 5 साल का और बेटी काव्या 7 साल की है। उनकी पत्नी शारीरिक तौर पर अपंग बताई जाती हैं। गांव वाले यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और कुछ ही समय में जो पार्थिव शरीर है राजेंद्र प्रसाद मीना का, वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद गांव वाले उनको श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरह से उनकी हत्या हुई उसको लेकर गांव में एक गम का माहौल है और ये चाहते हैं कि उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ ना जाए। सरकार कोशिश करे कि जिन्होंने, जो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की, जो उनके साथ कमांडिंग ऑफिसर और कर्नल भी थे, उनकी भी हत्या हो गई, उनको बख्शा ना जाए। जो इस मामले में अपराधी हैं उनको छोड़ा ना जाए और गांव वाले चाहते हैं कि उनके बेटे की शहादत जो है, गांव के बेटे की, वो हमेशा के लिए याद रखी जाए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन, दौसा आज तक।